लोगों से ये मेरी अपील है, मेरी मदद करें अल्लाह के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उमर कुरैशी। तो आप देख रहे हो कश्मीरी टैलेंटर्स। दोस्तों, आज मैं बहुत दूर आया हूं, कम से कम मैं 150 किलोमीटर दूर आया हूं। यहां तक ये डिस्ट्रिक्ट कोलगाम के साथ आता है एक गाँव, इसको कहते हैं पची गाँव। मैं खुद नहीं बोलूँगा, ये खुद बोलेगा मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो इनसे ही बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मतलब आपको क्या हुआ है? मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट कब हुआ? आप ये पिछले साल नवंबर में हुआ था एक्सीडेंट। अच्छा, मतलब नवंबर में हुआ। जी जी, नवंबर। आप प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे जो कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो टूटी है। उसमें जो धागा है वो बिल्कुल कट हो गया। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे दो है, बीवी है, मेरा कोई कमाने वाला है नहीं है घर में, बस मैं अकेला हूँ। अल्लाह का सहारा है बस, और मेरे पास कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई अब? बस कमर से नीचे कोई टांग नहीं चलती है, कुछ नहीं है, और मुझे ज़ख्म हुई है। मेरे पास कुछ खाने के लिए है नहीं है, छोटे छोटे हम बच्चे हैं दो। डॉक्टरों ने बोला, लाइलाज किया डॉक्टरों ने मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। बच्चे कितने हैं आपको? दो बच्चे हैं। घर में कभी खाना नहीं होता है, कुछ नहीं है, हम भूखे बैठते हैं। अब दवाई के लिए पैसे मेरे पास कुछ नहीं है, दवाई के लिए मेरे अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, मेरे पास कुछ नहीं। और पैप भी लगा है, पैप के लिए कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल मेरे पास कोई नहीं है। एक है मेरे को पैप लगे है। नाजरीन, आप खुद ही देखते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है उसको। मेहरबानी करके इसके पास भी कुछ होगा तो मेहरबानी करके डोनेट कीजिए, मेहरबानी करके इसकी जान बचाइए, इसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। और क्या लोगों से क्या कहने चाहते हो आप? लोगों से ये मेरी अपील है, मेरी मदद करें अल्लाह के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। बीबी है, एक बच्चे दो है, मैं कमाने वाला घर में था, और कोई सहारा नहीं है, बस अल्लाह के लिए मेरी मदद करें। बस मेरी यही अर्ज है, मेरी मदद करो। इंशाल्लाह, मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे लोग इसको मदद करें, कि इंशाल्लाह ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने खुद देखा, मतलब इसके जो टांगे हैं ये बिल्कुल काम नहीं करते। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपनी खुद की परवाह कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए मदद करो, कुछ अल्लाह के लिए कुछ मदद करो इनके लिए। मेहरबानी करके मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूँ कि इनकी मदद करो, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी है। मतलब इनके टांगों में अगर देखेंगे तो टांगों में भी जख्म है, इनके टांगे भी काम नहीं करते, और ऊपर से पाइप भी लगी हुई है। मेहरबानी करके जितना आपसे हो सकते तो इनको ज़रूर से ज़रूर मदद कीजिए। और लास्ट में, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मदद नहीं कर सकते हैं, जो खुद मदद नहीं कर सकते, वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके वजह से कोई और मदद कर सकता है। स्क्रीन पे मैंने इसका अकाउंट नंबर भी दिया है और साथ में इसका फ़ोन नंबर भी है, आप चाहे तो इसके साथ खुद भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।